इतना पड़ा है नहीं। फिर अगली फसल आ। लेकिन हरियाणा में तो कहते हैं कि किसान जो है वो अपेक्षाकृत जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले समृद्ध किसान है, अच्छी खेती होती है, तो आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ गई यहाँ के बैठने की? ये काले कानून के कारण पड़ गई, खेती में बचत नहीं हो रही है, अब खेती घाटे का सौदा हो गया। अडवाणी तड़का मारी फसल ले और कुछ 500 रुपये कम करते नहीं सारी ले लेगा फिर बेचा 50 हमने, ये बात है जी। तो ये बताइए कि ये मतलब जैसे एक पूरा माहौल बनाया गया कि किसान को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई भड़का रहा है, बड़ा भोला है वो। ना, 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 नहीं आप किसान इतना भाई साहब अनपढ़ गवार नहीं रहा है, किसान भी समझ चुका है। किसान के घर में भी पढ़े लिखे बच्चे किसान ने नहीं बेरा तो किसे को मेरा किसान देखा और पौधा होगा इसके भैया बीमारी लाएगी के दवाई गिरा आपने पूछेगा तो आप दवाई है विषा में पूछ जगह भाई मेरा पौधा यो खराब हो किसान उसमें देख की न वो बोवा है जमीन में फिर पत्ती लिगड़े हैं जी देखने लग गए। पर आप हरियाणा से हैं जैसे, हाँ जी, अब आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई हरियाणा किसान आंदोलन में शामिल ही नहीं है कहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं उसका ने परिवार है ने कुछ और है, अकेला है, उसको तो कोई चिंता नहीं है। हरियाणा पूरा एकजुट, वो खुद ही हरियाणा का नहीं है वो ही पाकिस्तान का है। तो आप जो अभी एक बात कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है भारतीय वो भारतीय जनता पार्टी है, क्यों आपको लगता है ऐसा? पहले तो धर्म के नाम पर लड़वाया इन्हें जी, हिंदी मुस्लिम की लड़ाई करवाई इन्हें, हरियाणा में जाति के नाम पर लड़ाई कराई, हरियाणा में जाट और नॉन जाट के नाम पर लड़ाई। तो क्या हरियाणा में जैसे जमीन पे हम गांव की बात करें तो वहाँ हिंदू और मुसलमान में वैसे लड़ाई नहीं थी ऐसी कोई इसके पहले? नहीं, कोई नहीं थी, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा था जी, बढ़िया। तो यहाँ पे जो है हरियाणा से किसान जो आए हैं उसमें केवल हिंदू किसान है कि मुस्लिम किसान भी? मुस्लिम भी है, अब इस आंदोलन से एक ये बहुत अच्छा सवाल है कि इन्होंने जो भी कहा कि इस आंदोलन से क्या पंजाब और हरियाणा के किसान और हिंदू और मुस्लिम किसान और जाट और बाकी बिरादरियों के किसान उनमें क्या एकता बढ़ेगी लगता है आपको? दोबारा बहुत ज्यादा मिलन सारे सब लोग समझ गए हैं कि ये आपस में लड़ाकर ये अंग्रेजों वाली चाल चल रहे हैं। ये पहले वाले दिन आ गए जी, जो पहले भाईचारा था देश में, फूट डालो और राज करो, इनकी नीति ये है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है। आप लोगों को भी जैसे गांव में जब आप लोग होते होंगे घर पे तो सर्दी में आप भी जो है अपना नरम बिस्तर और गर्म कंबल में ही आराम करते होंगे रात को ना? हाँ। तो अभी यहाँ पे लगता नहीं है कि जैसे घर से दूर है ऐसे खुले में सर्दी में बैठे हुए हैं बीमार हो सकते हैं तो कुछ भी हो जाए हमारी जान चली जाए चाहिए, लेकिन हम ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक यही सड़कों पर रहेंगे जी। जी हमारे जीवन मरण का हमारी पीढ़ियों का आंदोलन है, खुद हमारे लिए नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोग भी आ रहे हैं जैसे अभी यहाँ पे लोग काफी बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले, तो आपके और साथी भी हैं क्या जो आएंगे अभी? हाँ बहुत आ रहे हैं, जाना बाकी रह गया है। अब जो किसान गाँव से मजबूरी में घर पे है वो खेत का भी काम, दूध लस्सी सब्जी सब हमारे। आप कह रहे हैं बहुत आना बाकी, कितना और आदमी आएगा? बहुत गणा, कोई और नहीं रह गया, एकदम अटैक मारा है। तो आप जहाँ बैठे हैं ये जगह बहुत दिलचस्प बात क्या है कि आप जहाँ बैठे हैं ये जगह राजस्थान में है, राजस्थान में है। आप हरियाणा के हो, बॉर्डर के उस तरफ के है ना? तो सेल हम नहीं कर रहे, राजस्थान हमारा भाई है साहब जी, हमारा भाई है राजस्थान और पंजाब और रामूण के छोटे। लेकिन पंजाब हरियाणा में तो बड़ा झगड़ा रहा है पानी के बंटवारे को लेके। कोई बात को नहीं, वो हमारा मामला है, वो भी राजनीतिक पार्टियों की देन है। पंजाब के किसान पानी को नहीं रोक रहे जी, ये राजनीतिक पार्टी अपनी वोट। आप जो बात आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे कि अभी भाजपा को SYL का मुद्दा याद आया जी, पिछले 6 साल से इनकी सरकार है, इनकी सेंटर में भी इनकी सरकार थी, पंजाब में भी इनकी सरकार थी, तब इन्होंने SYL का मुद्दा नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रखा है। आपने देखा है जब किसी देश की प्रजा आंदोलन पे बैठती है, अब ये सरकार वाले खुद
एक दिन का जुट्ठन सन कर रहे, पीछे स्टेज के पीछे जाओगे तो खाना खाते हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद है? जो सुप्रीम कोर्ट बोला है केस में, सुप्रीम कोर्ट से तो हरियाणा जीत चुका है। नहीं नहीं, इस आंदोलन को लेके, इस आंदोलन को लेके तो देखो, क्या सुप्रीम कोर्ट को आपको लगता है वो बीच में आया इस आंदोलन में, तो क्या आप? हमें हमें कोई उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, हमें तो किसान तो संघर्ष करेगा सड़कों पे। तो पहली बार है किसान ऐसे शहर की तरफ आ गया है, दिल्ली की तरफ। तो ये लड़ाई आपको क्या लगता है कितनी लंबी चलेगी, क्या देखते हैं? क्या लंबी चलेगी? 26 जनवरी को किसान लड़ा होगा, 26 जनवरी को इतना करती है, इसके घोड़े दागती है, ये उस दिन हमारे देश के झंडे के ऊपर दागना, देश के तिरंगे पे करके रखी है बारिश। अब किसान राजधानी में जाना चाहता था, हरियाणा सरकार को क्या पावर है जो किसानों को रोक दे दिल्ली जाने पहली बार और अहिंसक तरीके से ही होगा पूरा आंदोलन, बिल्कुल अहिंसक तरीके, अनुशासन के तहत होगा। ये आज तक एक पेड़ का पत्ता भी किसी किसान ने नहीं तोड़ा इस आंदोलन में, ये सबसे बड़ी खासियत है। पहले तो आंदोलन में आंदोलनरत होते थे वो सड़क रोकते थे, अब सरकार सड़क जाम कर रही है, सबसे बड़ी बात ये है। आप तो हरियाणा के ही, उधर हरियाणा पुलिस खड़ी है, आप ही के बच्चे हैं वो, ज्यादातर तो किसानों के, मिलिट्री भी है वो, हिंदुस्तान के भी साहब, पैरा मिलिट्री है वो, भी किसान के बच्चे हैं, मास है, मंत्रियों के बच्चे हैं साहब, कोई भी जवान नहीं है, वो अफसर जरूर लग सकते हैं, लेकिन सारे हिंदुस्तान के प्रांत हमारे भाई हैं, और जरूरत पड़ेगी उनकी आत्मा का हमारे साथ हो। हाँ जी, हमारे साथ खाना खाते हैं सर, यही रहते हैं, अपने सरकारी का सरकार का पालन करने के लिए उन्हें ड्यूटी दे रहे हैं। जिस दिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा कि दिल्ली कूच करो, उस दिन ये अपने आप साइड में होने, इतना हमें भरोसा है। ये भी हमारे भाई बच्चे हैं। मैं आपसे अगर ये कहूं कि जो लोग शहर में हैं अपने घरों में बैठे, और वो लोग जो ये जो मुख्य धारा की मीडिया जिसे यहाँ सब गोदी मीडिया कहते हैं जी, जो लोग उन टीवी चैनलों को देखते हैं, आप उनके नाम कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो आपके साथ आंदोलन में शामिल हो या आपको मदद करें, आपको सपोर्ट करें, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? आप में से आप पहले आप बोलिए और फिर आप बताइएगा, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं जो शहरों में हैं और जिनको ये बताया जा रहा है कि किसान जो है वो अराजक है, आतंकवादी है, या ऐसा है वैसा है, आप उनसे कुछ अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें? सर, हम तो यही अपील करना चाहते हैं, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, और हम जो ये रोड पर बैठे हैं, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए, ये वर्ल्ड में भी ये बात चली गई है कि भारत का किसान सड़कों पर बैठे है। तो आप चाहते हैं वो आपके साथ आए, आपके साथ खड़े हों, जो शहरों में घरों में बैठे हैं लोग, जो तो टीवी पे अर्णब गोस्वामी को देखते हैं, वो आपके साथ खड़े हों, आप क्या कहना चाहते, उनसे कहना चाहते हैं? हम तो सड़क रोक नहीं रहे जी, ये सरकार रोक रही है, हम तो हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम तो हमारी जिन जीवन मरण का प्रश्न है उसके लिए यहाँ सड़क पर बैठे। आप बैठ जाइए सर, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल, क्योंकि आप टिकरी बॉर्डर जाओ, वहाँ पे आप देखोगे जो दिल्ली की जनता है, जो जॉब करने वाले बंदे हैं, पहले दिन में जॉब करते हैं, उसके बाद आके वहाँ पे किसानों के लिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप उनसे कुछ अपील अगर करें, बहुत सारे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप कह रहे हैं झूठ फैला रही है, उसके झूठ पे भी आ रहा है ना, उन लोगों से आप कोई अपील, क्योंकि उन तक किसान उनसे क्या कहना चाहता है, सवाल ये है मेरा। देखिए, हम दिल्ली की जनता से, शहर की जनता से, एक अपने आपके माध्यम से हम अपील भेजना चाहते हैं कि पहले तो हम, हमारी वजह से तो कोई परेशानी उनको होगी नहीं, सरकार उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है कि किसानों के खिलाफ अकबर किसान सड़क को रोक के बैठे हैं, जबकि हकीकत यह, किसान ने सड़क को जाम नहीं किया, सरकार ने सड़क को जाम किया है। और हम चाहते हैं जो भी भाई रोटी खाता है ना पूरे भारतवर्ष का, वो किसान की बदौलत ही आज जो है ना रोटी खा रहा है, तो हमें यही उनसे आशा है कि एक दिन वो भी हमारे साथ आए। अपने भाई हैं वो भी जी, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, अपने भाई जी, हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं हमारे भाई हैं जी, वो है, और वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ ही रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मैं एक बार फिर हम लोग ये 15 तारीख के बाद आज फिर ये शाहजहाँपुर है राजस्थान का, और हमसे करीब 250 मीटर दूर जो है वो हरियाणा शुरू हो जाता है, जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगाई, हमने पिछली बार आपको दिखाई थी। और अभी हम हरियाणा से ही आए, यानी कि हरियाणा के किसान साथी हैं जो बैठे हुए हैं राजस्थान की सीमा के अंदर इस आंदोलन में, और अपने ही राज्य में घुसने की लड़ाई लड़ रहे हैं और बॉर्डर पे पंजाब जी। तो यहाँ पर इस समय ये शाहजहाँपुर जो सीमा है, ये दिल्ली जयपुर या दिल्ली मुंबई हाईवे कहलाता है, और उस पर पहले हमने आपको दिखाया था कि एक तरफ की सड़क जो है वो किसान उन्होंने वहाँ पे धरना दिया था, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने उनको बॉर्डर पे रोक दिया था। और अब यहाँ पर तकरीबन 10,000 से 12,000 के आसपास किसान हो चुके हैं एक हफ्ते में। जी ज्यादा है, ज्यादा है, रात का 1 बजा है अभी। और आप लोग लाइव देख रहे थे, जो लोग देख रहे थे उनका शुक्रिया, जो बाद में देखेंगे उनका शुक्रिया। बंद है दोनों जी, अब दोनों तरफ ये सड़क बंद हो चुकी है, और पंजाब के किसान यहाँ पहुंच गए हैं, हरियाणा के किसान यहाँ आ गए हैं आसपास के इलाके के, और गुजरात और महाराष्ट्र से कल किसानों का जत्था पहुंचा है, जिसके पहुंचने के बाद इस सड़क को दोनों ओर से जाम कर दिया गया, हमने कल आपको दिखाया भी था। तो इस वीडियो को, इस मैसेज को फैलाइए, खासतौर पर आखिरी में जो बात कही हमारे साथियों ने, कि क्यों शहर की जनता को, क्यों जो अर्बन मिडिल क्लास है उसको इस आंदोलन के साथ आना चाहिए, वो जो मैसेज है उसको बहुत ज़रूरी है फैलाना। और हम कल सुबह से फिर से ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे, इंटरनेट की जैसी अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी। फिलहाल हमको अभी इंटरनेट मिला अचानक, तो हमने ये लाइव किया देर रात, इसको पहुंचाइए लोगों तक, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके। और फिलहाल शुभ रात्रि। मीडिया विजिल के लिए मैं मयंक सक्सेना शाहजहाँपुर और रेवाड़ी के बीच में खड़ा होके, रात को 1 बजे।